तो कैसे आप लोग, आधे घंटे का वीडियो होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी डिटेल इसमें मैं ट्राई करूंगा देने का। आईपीएल ऑक्शन आपका 23 दिसंबर को प्लान हुआ है कोची में, ठीक है। तो टोटल 991 प्लेयर ने अपने आपको रजिस्टर कराया ऑक्शन के लिए। अब ये कौन प्लेयर है, सबसे पहले तो 10 टीम जो थी लास्ट ईयर, ठीक है, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को निकाले तो वो सारे प्लेयर इधर आ गए, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर भी आ गए, जैसे जो रूट हैं, इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा प्लेयर हैं जिन्होंने बोला भाई इस साल मैं खेलूंगा आईपीएल में, ठीक है। तो उन्होंने अपने आपको ब्रैकेट दिया, किसी ने बोला कि 2 करोड़ के नीचे मैं नहीं खेलूंगा तो मेरा बेस प्राइस 2 करोड़ है, वहीं से बोली स्टार्ट होगी। किसी ने 1.5 दिया, किसी ने 1 दिया, और उसके नीचे भी लोगों ने दिया, ठीक है। तो 1 करोड़ तक का मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ उसके नीचे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वो सारे डिटेल में बाद में बात करूंगा। देखिए सबसे पहले 991 प्लेयर ने अपने आपको रजिस्टर कराया है, ठीक है। इंडिया प्लेयर हैं 714, पूरे इंडिया के जितने डोमेस्टिक जितने इधर उधर के हैं सामने सबने रजिस्टर करा लिया। बाहर के प्लेयर 277 ने रजिस्टर कराया है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जिन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल लिया है वो 185 है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ आप बोल सकते हो 971 प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि 20 यहाँ पे हो गए एसोसिएट नेशंस, मतलब UAE और जो इधर उधर की टीम है, ठीक है। आपकी शायद आयरलैंड भी है एसोसिएट में, मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अनकैप्ड प्लेयर जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल नहीं खेला वो 786 है, मतलब ये दोनों मिला के आपका 971 आ रहे हैं, वही इंडिया प्लेयर ने सबको मिला करके, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइए और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कितने लोगों ने अपने आपको 2 करोड़ में रखा है, 1.5 करोड़, इसके अलावा 1 करोड़, और बाकी सारी टीम में किस किस प्लेयर्स को निकाला है, सबके ऊपर पूरा फुल डिटेल में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये इधर से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 2 करोड़ का प्राइस लिस्ट, ये प्लेयर ने बोला है मेरे को 2 करोड़ मिलेंगे मैं तो ही खेलूंगा, यहीं से हमारी बोली स्टार्ट होगी। बट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से प्लेयर बिकते नहीं हैं, तो फिर वो बाद में टीम अगर चाहे तो उसको थोड़े कम पैसे में भी खिला सकती है। मैं ये नहीं मानता 2 करोड़ का कोई लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो 50 लाख की बोली भी 10 करोड़ तक चली जाती है ना। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर आप 2 करोड़ में रख के करोगे क्या, टीम आपको लेगी ही नहीं। मेरे को समझ में ही नहीं आता प्लेयर क्या सोचते हैं, ठीक है। जैसे एंजेलो मैथ्यूज, अरे भाई 20 लाख रख लो, खेल लो आईपीएल, 1 साल परफॉर्म कर लो, नेक्स्ट साल तुमको 5 करोड़ में टीम मिलेगी। पर इन लोग समझते नहीं, इनको कोई बोली नहीं लगाएगा, प्लेयर में कोई कमी नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज अभी आईपीएल में खेलेगा, आप देखिएगा विकेट पर विकेट लेगा आपका, रन पे रन बनाएगा। चलिए छोड़िए, उतना डिटेल में नहीं बात करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेथन कुंटल 9, फटाफट देख लेते हैं। मैक्स टू मैक्स नहीं सेल आउट होंगे, मैं सारी चीज बताऊं। कैमरून ग्रीन के ऊपर बड़ी बोली लगेगी, बिकॉज उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक पारी खेल दी थी, ठीक है। तो लोगों को लगा था बड़े प्लेयर है, बट हाँ प्लेयर में टैलेंट है, ऐसा नहीं है। ये सेम वॉटसन बन सकते हैं आगे चल के। बाकी ट्रेविस हेड भी मोटा बिका सकते हैं आराम से, बिकॉज हाल ही में उन्होंने सेंचुरी पर सेंचुरी मारी है, अपने डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी मारी है। क्रिस लिन देखिए फॉर्म में नहीं है, उनको मैक्स टू मैक्स बहुत कोई नहीं लेगा, ठीक है। टॉम बेंटम अच्छा खेल रहे हैं, केकेआर के लिए खेला है, शायद यहाँ इनकी बोली लग जाए, हालांकि इंटरनेशनल में तो नहीं खेल रहे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। T10 में टिक ठाक खेल रहे हैं। सैम करन की देखिए मोटी बोली लगेगी इस बार फिर से, हो सकता है चेन्नई इनको फिर से टारगेट करे, लास्ट ईयर उन्होंने नाम वापस ले लिया था, ठीक है। टाइमल मिल्स चोटिल रहते हैं, मैक्स टू मैक्स नहीं सेल आउट होने चाहिए, मेरे को ये लगता है, ठीक है। तो इसके अलावा ट्रेविस हेड का नाम ऊपर ही आ गया है, शायद बंदे ने गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। क्रिस जॉर्डन आपका मैच टू मैच सेल आउट नहीं होगा, लास्ट साल चेन्नई ने इसको लिया था, इन्होंने खराब परफॉर्म किया था, इनका कुछ नहीं होना। और बाकी ये दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है, जेमी एंड क्रेग ओवर्टन, मैच टू मैच T20 में बिकेंगे कि नहीं नहीं मालूम, बट दोनों ही अच्छा खेलते हैं। जेम्स ओवर्टन बहुत मोटा मारते हैं, क्रेग ओवर्टन इन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी 90 रन कुछ बनाए थे, ठीक है। तो जेमी ओवर्टन ये सब अच्छे हैं, समरसेट के प्लेयर हैं, समरसेट और सरे के प्लेयर्स हैं, बहुत मोटा मारते हैं नीचे में और अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो देखा जाएगा बिकेंगे कि नहीं। देखिए आदिल रशीद को लेना चाहिए, पर इन्होंने पंजाब में खेला था पर कोई मौका मिला नहीं था, तो लेंगे कि नहीं नहीं मालूम, बट ये बहुत बड़े बॉलर हैं। अभी देखिए कौन सेलेक्ट करता है आपको ये सोचना होगा, जो लोग बैठे हैं वो लोग सिर्फ अपने मन मर्जी की टीम लेते हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को देखिए कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है। खाली आके बैठते हैं वो लोग, कुछ भी प्लेयर जैसे जयदेव उनादकट 10-10 करोड़ में बिके थे, अब जब उनके पास टैलेंट है तो उनको कोई लेने नहीं वाला। तो ये सब कोई बैठ करके भाई ये वही बता सकता है जो ग्राउंड में बैठ के मैच है सारा दिन मैच की डिटेल ले रहा है, उसके बाद ही आप वहां जाके बैठ के काम करो, ठीक है। बाकी फिलिप सॉल्ट मोटा बिक सकते हैं, ठीक है, हाल ही में रन बनाया है और हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी बेन स्टोक्स वापस आ गए, मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता, लोग भले मेरे को क्रिटिसाइज करें इसके ऊपर, मैं इसको प्लेयर नहीं मानता, ठीक है। इफ एंड बट प्लेयर है, बॉलिंग में कुछ खास इन्होंने किया नहीं, हाँ टेस्ट मैच के प्लेयर है, ODI के प्लेयर है, T20 में मैं इनको प्लेयर नहीं मानता हूँ। हाँ आप चाहे जो भी बोल लो मेरे को फर्क नहीं है, इनका प्रदर्शन उतना खास नहीं है, खाली एक मैच उन्होंने वो जो SS सीरीज का जिताया है, और उसके अलावा कुछ आप बोल सकते हो लकी रहे हैं, पर उतने बड़े प्लेयर नहीं है जितना लोग इनको मानते हैं। T20 के तो मैं इनको प्लेयर नहीं मानता, आप 4 ओवर इनसे कराओगे मारा जाएंगे, और ना ही इनको उतनी खास कोई बैटिंग आती है, कर ले मेरे को कोई फर्क नहीं। जिनको जितने में लेना है ले ले, कुछ नहीं होना उस टीम का, लेके सारी टीमें ले चुकी हैं कुछ, इन्होंने पहला साल प्रदर्शन किया था उसके बाद ये फ्लॉप हो गए थे। एडम मिल ने मेरे फेवरेट बॉलर हैं, बट अब ये चोटिल चलते हैं, अब शायद ही इनको मौका मिले, ठीक है, अपने टीम में अभी खेलना स्टार्ट किया। जिमी नीशम नहीं सेल आउट होंगे, 2 करोड़ तो इनको कोई नहीं देगा, बॉलिंग आती नहीं है, थोड़े बहुत हिटर है। बाकी केन विलियमसन मेरे हिसाब से बिक जाने चाहिए ना, मेरे हिसाब से इनको राजस्थान अगर रॉयल्स ले लेगी ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स बहुत ही शांत रहती है, ये भी बहुत शांत रहते हैं, और मेरे को लगता है राजस्थान रॉयल्स या तो पंजाब को इनको टारगेट करना चाहिए एक बार के लिए, पर पता नहीं टीम क्या करेगी क्या नहीं मालूम। ये तो बहुत मोटा बिकाने वाले, 2 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे रैले रसू, क्योंकि फॉर्म में है, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं, हर जगह खेलते, रैसी बंडरसन आपको बिकते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, 2 करोड़ में तो इनको कोई नहीं लेगा। चोटिल चल रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं,
जेसन होल्डर भी मैच टू मैच सेल आउट नहीं होने चाहिए, 2 करोड़ का हैवी प्राइस है और अभी हाल ही में उतना खास प्रदर्शन इनका नहीं रहा है। निकोलस पुरन पूरे बढ़े जाएंगे वापस से, पंजाब में पिछले कई साल से खेल रहे, 1 साल भी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अब ये दूसरे भले कोई भी इनको ले जाएंगे जरूर, 6-7-8 करोड़ तक चले जा सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है, हालांकि कैप्टनसी से अब शायद इनको निकाल दिया जाएगा, बट बैट्समैन है तो भाई जो प्लेयर है जो टैलेंट है वो है, ठीक है, ये ऐसे तो नहीं हटने वाले। और बाकी एंजेलो मैथ्यूज़ नहीं सेल आउट होंगे। अब आइए फटाफट बात करते हैं 1.5 करोड़ की बात की, तो सीन अबाउट मुश्किल से ही बिकेंगे, इतना हैवी अमाउंट कोई नहीं देगा। रायली मेंडलेस भी अब इनका, झाई रिचर्डसन, इन सबको कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि आपका हाल ही में प्रदर्शन देखिए, जो भी प्लेयर बिकते हैं उनका हाल का प्रदर्शन कैसा है वो मैटर करता है। अगर आपको ऑक्शन के पहले एक दिन पहले भी आप डबल सेंचुरी मार दोगे ना, तो जो प्लेयर नहीं बिकने वाला है वो भी बिक जाएगा, इनको ऐसा दिखना चाहिए। तो ये सब नहीं बिकने वाले, आप लिख के रख लेना। एडम जंपा बिक सकते हैं बट पता नहीं, इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, बट बॉलर बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े बॉलर हैं एडम जंपा अगर सही से कोई खिलाता है तो। हरी ब्रुक मोटा बिकेंगे, 1.5 करोड़ से ऊपर जाएंगे, बीबीएल में खेला, पीएसएल में खेला, अपने टीम के लिए खेला, टेस्ट में खेला, अभी मोटा बिकाएंगे। विल जैक्स मेरे हिसाब से इनको लेना चाहिए ना, हाल ही में सेंचुरी मारी है द 100 में, इसके अलावा इन्होंने कंटिन्यूस परफॉर्म किया, मतलब एक मैच में तो पता नहीं कितना मारा था इन्होंने, टेस्ट मैच में मैंने देखा था आखिरी विकेट पे कितना अकेले 50-60-70 रन इन्होंने बना दिए थे। तो दोनों सेम कैटेगरी के प्लेयर हैं, हालांकि विल जैक्स अभी इंटरनेशनल नहीं खेले हैं, आप बोल सकते हो उतना बड़ा, तो शायद उतने में न बिकाए या कोई न इनको जानता हो, बट ये ऑफिस भी अच्छा करते हैं और बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, हैरी ब्रुक से भी बड़े प्लेयर बनेंगे मैं ये मानता हूँ। डेविड मलान को कोई नहीं लेगा, प्रदर्शन अच्छा रहता है इनका, बट अब इनकी एज हो चली है, 35 साल के शायद हो चुके हैं, नहीं बिकाएंगे। जेसन रॉय तो सेल आउट नहीं होंगे, सरफेन रदर्सफर्ड ठीक ठाक बिक सकते हैं अगर कोई टीम चाहे तो, ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं, मतलब अब बॉलिंग हट गई है इनकी, खाली हिटिंग के लिए लेना मेरे को नहीं समझ में आ रहा। शाकिब अल हसन को तो कोई लिया नहीं, मेरे को तो दिमाग में ही नहीं गया, लास्ट ईयर इन्होंने नहीं खेला, बहुत बड़े प्लेयर है, T10 में भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं आप, इनको 4 ओवर बॉलिंग करा दो भाई, ये और सुनील नारायण, इससे बेटर बॉलर आपको मिलेगा नहीं, है ना। अब पता नहीं बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, आपके कप्तान हैं, इनको सेल आउट होना चाहिए भाई, इनको कोई भी टीम ले यार, पता नहीं क्यों नहीं लेती, मेरे को बहुत खराब लगता है। अभी बीपीएल स्टार्ट होगा, आप इनका प्रदर्शन देखिएगा। आइए फटाफट बात करते हैं 1 करोड़ वालों लिस्ट की, ठीक है, मोजेजन के सेल आउट नहीं होंगे, एंड्रयू टाई भी नहीं होंगे, अच्छे बॉलर हैं, नीचे में थोड़ा हिट कर लेते हैं पर नहीं होंगे, ठीक है। जो रूट अगर मैं होऊंगा तो मैं फिर इनको राजस्थान में ही बोलूंगा कि आप इनको कोई ना कोई तो इनको खिलाए, जो रूट एक बहुत बड़े प्लेयर है, अभी T20 भी खेलते हैं तो मोटा मार के देते हैं, ऐसा नहीं है डोमेस्टिक, इनको देखो खेलने आता है इनको, इनको और अगर कोई केन विलियमसन को दोनों को एक ही टीम ले लेती है तो मैं होता तो ले लेता भाई, ओपन करा देता, वन डाउन करा देता, बहुत एक्सपीरियंस है और ये 40 बॉल पे 60 रन आराम से ये लोग बना सकते हैं, इंडियन कंडीशन में तो आराम से बना लेंगे। लूक वुड लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर हैं, मेरे हिसाब से सेल आउट नहीं होंगे, हालांकि ये शायद विनिंग टीम के हैम्पशायर के प्लेयर थे या किसके थे, पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं। माइकल प्रेसवेल का आपको वो फॉर्म याद होगा जिन्होंने सेंचुरी मारी थी, शायद ये बिक जाएंगे, है ना, इस साल शायद ये बिक जाएंगे, ऑफ स्पिन करते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी बैटिंग करते हैं। मार्क चैपमैन नहीं बिकेंगे, गप्टिल नहीं बिकेंगे, कार्ल जेमिएंसन, ये सबका कुछ नहीं होना, माइट हेनरी अच्छे बॉलर हैं पर नहीं बिकेंगे। देखिए टॉम लैथम अगर मैं रहूंगा तो टीम में ले लूंगा टॉम लैथम को, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर ऑफ आप बोल सकते हो प्रेजेंट जनरेशन, न्यूजीलैंड में हमेशा रन बना के देते हैं आप, इनको जितनी ओडीआई इनिंग्स इनकी देख लो, जितनी टेस्ट इनिंग देख लो, मतलब इनके पास पेशेंस है, हिटिंग कैपेबिलिटी है, क्लास है, स्पिन को रिवर्स स्वीप करते हैं, स्वीप करते हैं, फास्टर को जो पुल करते हैं, मतलब ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप चाहो तो इनसे लेके ओपन करा सकते हो, सेम शॉन मार्श की तरह, जैसे शॉन मार्श को कोई नहीं जानता था, इन्होंने पहले साल शायद किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बहुत मोटा मारा था, सेम इस तरीके से आप टॉम लैथम से ओपन करा लो, पर पता नहीं टीमें खिलाती नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। रॉयल मिचेल भी बिक जाएंगे, मीडियम पेसर अच्छी, कहीं ना कहीं वो बैटिंग वगैरह कर लेते हैं। हेनरिक क्लासेन अब नहीं बिकेंगे, पहले बिके थे क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ खेला था और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जब इनको टीम में लिया गया, इनको लगा बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो नहीं खेल पाए, उसके बाद अब वो जब प्लेयर बन गए तो अब इनको कोई नहीं लेगा, यही मेरे को नहीं समझ में आता है। अब ये असली प्लेयर बन गए, टाइटंस के लिए सेंचुरी मार रहे हैं, आपके इंटरनेशनल में रन बना के दे रहे हैं, बट अब ये नहीं बिकेंगे, देख लीजिएगा। तब्रेज़ शम्सी तो देखिए अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड के नंबर वन स्पिनर है T20 में, पर इनको टीम लेगी कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। रोस्टन चेज़ तो नहीं बिकने वाले, अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन करते हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा खेलते हैं, बट पता नहीं वेस्ट इंडीज़ वाले जब नहीं खिलाते तो बाहर वाले कहाँ से खिलाएंगे। रहीम कॉर्नवेल को भी मुश्किल से ही मौका मिलेगा, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, स्टार्ट में हिट करके दे सकते हैं, इन्होंने बारबेडोस के लिए एंड तक फाइनल तक गए थे, ठीक है, बारबेडोस से फाइनल में हार गई थी, शाही हो क्लास अपार्ट आप बोल सकते हो, बट T20 के अभी तक वो प्लेयर नहीं बन पाया। अकेले हुसैन 100% बिकेंगे 1 करोड़ में, अगर कोई प्लेयर टीम इनको नहीं लेती तो सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है, ये 4 ओवर आपको निकाल के दे सकते हैं, T10 में भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और नीचे में अच्छी हिट कर लेते हैं, तो अकेले हुसैन को खेलना ही खेलना, कोई ना कोई टीम इनको ले लेगी, ये नहीं बिकेंगे अपनी टीम के लिए नहीं। मयंक अग्रवाल मोटा बिकेंगे, 1 करोड़ वाले प्लेयर नहीं, फॉर्म में नहीं है तो क्या हुआ, प्लेयर है मेरे भाई, बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको हो सकता है राजस्थान वाले टारगेट कर लें, नहीं तो चेन्नई वाले टारगेट कर लें, ठीक है। केदार जाधव तो 100% नहीं बिकेंगे। मनीष पांडे मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, क्लास है इनके पास, कर्नाटक के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग ये करते आए हैं, अभी ये जो T20 हुआ था ना, क्या नाम है उसका, कर्नाटक प्रीमियर, महाराजा T20 लीग, उसमें भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो प्लेयर बड़े हैं और बिक तो जाएंगे, ऐसे अनसोल्ड तो नहीं होंगे, हाँ 1-2 करोड़ में बिक जाएंगे। मोहम्मद नबी को आप छोड़ देना चाहिए, मुजीबुर जदरान भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, पहले वाले नहीं रह गए, और डेविड वीसा तो भाई देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हर जगह खेलते हैं, पर IPL वाले इनको लेंगे कि नहीं नहीं मालूम है ना, 4 ओवर निकाल के दे सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, बट IPL में सिर्फ नाम चाहिए, अब इनके हिसाब से ये नामीबिया के प्लेयर हैं, ये PSL में खेलते हैं, शायद इधर नहीं खेलेंगे, तो गलत बात है, ये ऑलराउंडर हैं, आराम से खेल सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए फटाफट बात कर लेते हैं, ये सारे प्लेयर आपको इधर ही मिल जाएंगे जो रिलीज्ड प्लेयर है, ठीक है। ऑलरेडी एक मैंने पूरा वीडियो बना दिया और इसके अलावा जितने प्लेयर बच गए उनके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, अपना ओपिनियन के साथ कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा में बिक सकता है। अब देखिए हैदराबाद ने किनको किनको निकाला, जगदीशा सुचित उनका नाम हमको देखने नहीं मिला, शायद इनका ब्रैकेट नीचे में होगा, 1 करोड़ से आराम से बिक जाएंगे, ठीक है। हाल ही में इनका प्रदर्शन अच्छा था महाराजा T20 में, अच्छा 4 ओवर निकाल के देते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। प्रियम गर्ग का मुश्किल से ही बिकेंगे, मैं तो पहले भी बोला था इतनी जल्दी प्लेयर को लाना कोई सेंस नहीं बताया, खेल भी चुके हैं ना प्रियम गर्ग आपका साथ पंजाब में अकेले खेल चुके हैं, बट इतना अभी बच्चे हैं 20-22 साल के हैं, इतनी हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। यश धूल वगैरह इन सबको 2-3 साल डोमेस्टिक में ही खेलने दो, आईपीएल में मत लेके आ जाओ। 8 समर टेस्ट मैच के प्लेयर इधर नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। महाराजा T20 में भी इनका प्रदर्शन ठीक था, ठीक है। सौरभ दुबे लेफ्ट आर्म के साथ फास्ट बॉलर हैं, ये सबको नहीं खिलाना चाहिए। शशांक सिंह ने ये हालांकि अच्छी बैटिंग की थी, पता नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको उतना। सुरेश गोपाल इधर भी उतने फॉर्म में नहीं है, हाँ विकेट वगैरह थोड़ा बहुत रन वगैरह बना लेते हैं, बिक तो जाएंगे, ये बिक जाएंगे, अब कितने में बिके। अब ये सब प्लेयर बेकार है, ठीक है, मैं पहले इन सबको पता नहीं क्यों लिया जाता, अब ये तो मोटा बिकेंगे, रोमारियो से भी मोटा बिकेंगे, बिकना चाहिए मेरे समझ से, है ना। इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी और अच्छी ठीक बॉलिंग अच्छी नहीं करते, बाकी केन विलियमसन को मैंने बताई दिया, सीन अबाउट को बताई दिया, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स ने ये अच्छे फॉर्म में नहीं है, मनदीप सिंह फॉर्म में है, 100% सेल आउट होंगे, ठीक है। पंजाब के लिए कंटिन्यूस सेंचुरी मारी है इन्होंने, अच्छे प्लेयर हैं, ये सब नहीं बिकेंगे, ये सब ऐसे में भी नहीं जाने वाले, इस बार किसी भी टीम में शायद ही कोई लेगा इनको। नीचे से देख लेते हैं ये 100% बिकेंगे क्योंकि हिटर है, पंजाब ने निकाल दिया। बेनी हॉवेल अच्छे प्लेयर, बेनी हॉवेल और टॉम हेल्प ये दोनों एक तरीके के बॉलर एक तरीके के बैट्समैन है, बट इनको टीमें लेंगे कि नहीं इंडियन कंडीशन में, क्या ये सही रहेगा इनको लेना कि नहीं वो नहीं मालूम, ठीक है। बट ये बीपीएल खेलते हैं, आपके बीबीएल खेलते हैं, बट ये अच्छे बॉलर हैं, पर पता नहीं मुश्किल से ही लिया जाएगा। ये सबका परफॉर्मेंस देखिए अच्छा रहता है, देखिए प्रेरक मानकट ये 100% बिकने चाहिए, अभी सौराष्ट्र के लिए इन्होंने अभी चैंपियनशिप भी जीती है और T20 में भी अच्छा प्रदर्शन है, मीडियम पेसर बॉलर है, रन बना के देते हैं और बहुत अच्छी पारी खेली थी जो ये मुंबई के साथ हारे थे, मेरे को अभी भी याद है, ये 100% बिकेंगे। बाकी ये सब कुछ कोई नहीं बिकने वाला, वैभव अरोड़ा का बॉलिंग तो अच्छा था, कहीं ना कहीं वो आपको सेल आउट हो जाएगा, बाकी मयंक अग्रवाल मोटे में बिकेंगे, ठीक है। रॉबिन उथप्पा नहीं खेल सकते, हट जाएंगे, हरी निशान भी अच्छे प्लेयर हैं पर अब नहीं कहीं ये भी नहीं खेल, देखिए ये बिकाएंगे नारायण जगदीशन का आपको क्यों बिकाएंगे, बिकॉज इन्होंने 4-5 सेंचुरी मार दी तो लोगों को लग रहा है भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, अभी तक कहाँ थे आप लोग, अभी तक तो चेन्नई ने मौका तक नहीं दिया इनको, ये ओपनर है इनको तीसरे चौथे पे भेज रहे हैं, देखिए टैलेंट है पर आपको मौका देना होगा ना तभी आप खेल पर। लास्ट ईयर इन्होंने आखिरी के मैचेस में खेला था मेरे को याद है, अच्छे 106 भी मारा था इन्होंने एंड में, 30 बॉल पर 30 रन बनाए थे, पर इनको कोई ना कोई तो ले लेगा और ये बिक जाएंगे, ये सब नहीं बिकेंगे इस बार। एडम मिलने भी नहीं बिकने वाला, ये तो इनका तो करियर खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, ये सब आप कहीं नहीं जा पाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। अनीश्वर गौतम अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म के स्पिनर हैं, लेफ्टी बैट्समैन है और 100% सोल्ड आउट किसी न किसी टीम में हो जाएंगे, अभी हाल ही में इन्होंने शायद एक सेंचुरी भी मारी है, ठीक है। क्षमा बिलिन लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर, इनको कोई खिलाता नहीं, पता नहीं क्यों, लुबनी सिसोदिया का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा इनकी टीम के लिए महाराजा T20 में, कहीं ना कहीं सेल आउट हो जाना चाहिए, अभी ये सब सेल आउट होंगे कि नहीं मालूम, पता नहीं। जेसन बैंड्रॉफ को खिलाना चाहिए एज अ बॉलर, बहुत बड़े बॉलर है, पर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अंकित राजपूत अच्छे बॉलर हैं बट पता नहीं, ये इनका मैंने बता दिया। शाहबाज नदीम भी अब नहीं बिकाएंगे, ये सब अब कुछ नहीं होना बिकॉज ये चोटिल रहते हैं, तो उस्मान चमीरा अपने टीम के लिए खेल नहीं पाते, बहुत बड़े बॉलर हैं, लंबे कद के बॉलर हैं, कंटिन्यूस विकेट लेते हैं पर चोटिल रहते हैं, अब वो टीम भाई पूरा टूर्नामेंट आपको ले लो और फिर आप चोटिल हो जाओ, सेंस नहीं बनता है ना। ये नहीं सेल आउट होने वाले, ये भी इस बार मुश्किल से ही सेल आउट होंगे, ठीक है। शमिका करुणारत्ने को सेल आउट होना चाहिए, पता नहीं कोलकाता ने क्यों निकाला, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं और अगर कोई वाकई टैलेंटेड बंदा देख रहा होगा तो इसको जरूर अपने टीम में लेगा, ठीक है। अच्छी बॉलिंग करते हैं, मतलब प्लेयर हैं भाई। मोहम्मद नबी मुश्किल से सेल आउट होंगे, शैलन जैक्सन ने सेंचुरी मारी है अभी फाइनल में बट मुश्किल से ही सेल आउट होंगे, ये सब कोई नहीं सेल आउट होने वाला, ठीक है। बाबा इंद्रजीत की जगह तो 10 गुना ज़्यादा बाबा अपराजित है, ठीक है। शिवम मावी बिक जाएंगे कहीं ना कहीं, अमन खान ने एक अच्छी पारी खेली थी नीचे में, अमन यकीम खान शायद इनका नाम है, और कहीं ना कहीं वो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ये सब अब सेल आउट नहीं होने वाले, बाकी के प्लेयर्स वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेकार है, ठीक है। पता नहीं कौन है, कहां से उठा के दिया गया था, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। ब्रायन मिचेल सेल आउट होंगे, बाकी कोई सेल आउट नहीं होगा इन सब में से। आर्यन ज्वाल ने तो हाल ही में एक सेंचुरी मारी है, ठीक है, आपकी सेमीफाइनल में। बाकी तो जयदेव नाटकट मोटा बिकाएगा, मैं अभी से लिख के दे दे रहा हूँ। अगर कोई वाकई में प्लेयर इसका परफॉर्मेंस देख रहा है लास्ट के एक साल से, तो जयदेव नाटकट हैज़ टू बी द प्राइम बॉलर ऑफ एनी टीम, ठीक है, जो कि पहला ओवर भी करे, आखिरी का 2 ओवर भी करे। अभी इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हो सकता है जयदेव नाटकट, आई थिंक इज द बेस्ट बॉलर, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ इंडिया अभी अगर डोमेस्टिक सर्किट में देखा जाए तो। अर्षदीप के बाद मैं इसका नाम अगर लेने को मिले तो मैं अर्षदीप के साथ ही इसका नाम लूंगा, है ना। ही शुड प्ले फॉर इंडिया वंस अगेन, ठीक है, टेस्ट में नहीं तो T20 और ODI में आराम से जगह बना सकते हैं और नीचे में आपको रन बना के भी दे सकते हैं। पता नहीं मुंबई ने क्यों निकाला, बट आई एम प्रिडिक्टिंग कि ये मोटा बिकेंगे इस बार, अगर कोई इसको देख रहा है। अभी हाल ही में सौराष्ट्र को इन्होंने अपना, मतलब सौराष्ट्र जैसी टीम को इन्होंने चैंपियनशिप जिताई अपनी कैप्टनसी से, तो ये बहुत बड़े प्लेयर अब बन गए हैं, 31 साल के हैं और आने वाला 4 से 5 साल इन्हीं का है, मैं लिख के दे रहा हूँ अगर कोई देख रहा है तो। ये सब बेकार प्लेयर हैं, बेकार प्लेयर हैं, बेकार प्लेयर। संजय यादव तो मोटा बिकाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में TNPL में क्या सेंचुरी मार रहे थे, विकेट ले रहे थे, ठीक है। ये और जी अजितेश, ये नाम याद रखिएगा, जी अजितेश, ये सब बड़े बड़े बिक सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी ले, इनका नाम किधर भी हो, ये बिकाएंगे जरूर और अच्छा खासा बिकाएंगे, ठीक है। मुंबई ने पता नहीं क्यों निकाल दिया संजय यादव को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये इनको तो निकाला नहीं गया है, इनको अपने बैटिंग कोच बना दिया गया,
बिल्कुल सीक्रेट है मुंबई के, जो ये रिवील नहीं कर सकते, वरना ये चाहे तो किसी भी टीम में आराम से खेल सकते हैं। अभी भी हर जगह कैप्टनसी कर रहे हैं। मुंबई ने इनको बोल दिया भाई आप इतना पैसा ले लो, हमारे टीम के साथ रहो, आपको IPL में बाकी जितनी टीम देगी मुकेश अंबानी अकेले उसको इतना पैसा दे देगा, खाली अपने टीम के साथ रखने को, और भाई थोड़ा 1-2 साल हेल्प करो फिर उसके बाद चले जाओ, बस इतना ही है। अभी IPL में नहीं खेलेंगे, सोचो पोलार्ड जैसे प्लेयर अभी भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। केविन एलन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म के स्पिनर, अच्छा मार लेते हैं, पर अब टीमें उनको लेंगी नहीं, खत्म हो गया। डैनियल सैम्स तो 100% बिकेंगे, लास्ट ईयर मुंबई को एक फाइनल में डेविड मिलर के सामने डिफेंड करके दिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया गया इनको, ये तो नहीं जाएंगे, ये भी कहीं नहीं बिकने वाले, ठीक है। गुजरात जैसी टीम गुरकिराज सिंह को खिलाया नहीं, ये भी बेकार प्लेयर है, ये भी बेकार प्लेयर है, ये भी बेकार प्लेयर, सो चारों बेकार प्लेयर को उन्होंने निकाल दिया, और सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ शायद बता दी है, तो बिग बॉस से रिलेटेड है, बस हो गया, ठीक है। तो ये लगभग 20 मिनट का वीडियो बन गया है, और अगर आप मेरे से बात करोगे तो मैंने कुछ नाम बताए हैं जो मोटे बिक सकते हैं, और इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, top 5 प्लेयर, top 10 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द IPL ऑक्शन, ठीक है, और कौन सी टीम को कौन से प्लेयर जरूरत हो सकती है, वो सारी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।